आपकी क्लासेस हैं और जो भी आपका स्कूल में बहुत सारी एक्टिविटीज होती है उन सबको आपको क्या है बैलेंस करके चलना होता है, ठीक है, ओवर कमिटमेंट से बचना है। हेलो एवरीवन, दिस इज मधु फ्रॉम टॉपर्स एकेडमी। सो आज मैं बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ फिर से आई हूँ आपके पास। जो टॉपिक का नाम है वो है हाउ कैन स्टूडेंट्स मैनेज देयर स्कूल एंड इंस्टीट्यूट एट द सेम टाइम। मतलब स्कूल और इंस्टीट्यूट को आप कैसे मैनेज कर सकते हो सेम टाइम पे। बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो स्कूल के साथ साथ अपनी नीट IIT की मतलब प्रिपरेशन करनी शुरू कर देते हैं और इंस्टीट्यूट वगैरह जाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो उनके लिए क्या होता है, बहुत मुश्किल होता है स्कूल और इंस्टीट्यूट जो है वो सेम टाइम पे कैसे हों चीज़ें, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स मैं बता देती हूँ आपको जो आपकी हेल्प करेगा। बेसिकली क्या होता है बेटा, मेहनत आपको करनी है, पढ़ना आपको है, तो ये पॉइंट्स ऐसे होंगे जो उस मेहनत में आपको, तो अगर वो चीज़ आप इन पॉइंट्स को ऐड कर लोगे तो वो आपकी थोड़ी बहुत हेल्प कर देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट आपका क्रिएट अ स्केड्यूल, प्लान योर स्कूल एंड इंस्टीट्यूट क्लासेस, स्टडी टाइम एंड ब्रेक्स। अपने स्कूल और इंस्टीट्यूट की क्लासेस को पहले से ही प्लान करके चलो। अगर कोई भी इंस्टीट्यूट आप ज्वाइन कर रहे हो तो पहले से उसकी क्लासेस के टाइमिंग्स वगैरह आप ले लो। अगर वो आपको कंफर्टेबल लग रहा है उसके बाद ही आप वो चीज़ ज्वाइन करो, नहीं तो अगर क्लैशिंग होगी कोई फ़ायदा नहीं है इंस्टीट्यूट का ज्वाइन करने का, क्योंकि ना तो आप मतलब अगर उस टाइम अगर आपका स्कूल होगा तो आप इंस्टीट्यूट की क्लासेस नहीं ले पाओगे। तो उस चीज़ को आप पहले से ही प्लान करके चलो, ठीक है। इफ़िशियंट स्टडी, यूज़ एक्टिव लर्निंग एंड इफेक्टिव नोट टेकिंग। क्या है इसमें कि मतलब आपको क्या है लाइक इफ़ेक्टिव नोट्स वगैरह भी मतलब ज़रूरी होते हैं इस चीज़ के लिए, ठीक है। लाइक फटाफट आपको चीज़ें मिल जाए, अगर कोई भी आप नोट्स लिख रहे हो या कुछ भी आप है तो उसमें टाइम वेस्ट ना हो कि ढूंढने में, वो इजीली आपको मिल जाए, ठीक है। प्रायोरिटाइज, फोकस ऑन हाई प्रायोरिटी सब्जेक्ट एंड टॉपिक्स। हमेशा लाइक प्रायोरिटी पे ही चलना है कि कौन सा मतलब सब्जेक्ट आपको ज़्यादा ज़रूरी है या टॉपिक आपको ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो वो चीज़ उसके लिए आपको पहले से ही टीचर से बात करनी पड़ेगी। उसमें क्या होगा कि वो आपको थोड़ा गाइड कर देंगे कि ये टॉपिक है, ये सब्जेक्ट आपको ज़्यादा फोकस करना है, तो उसी को आप अपना प्रायोरिटी बेसिस में रख सकते हो। अवॉइड ओवर कमिटमेंट्स, बैलेंस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ एंड पार्ट टाइम वर्क। तो क्या है, अपना जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ है उसको बैलेंस करके चलना है। जो भी आपकी क्लासेस हैं और जो भी आपका स्कूल में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है उन सबको आपको क्या है बैलेंस करके चलना होता है, ठीक है। ओवर कमिटमेंट से बचना है, कुछ भी ऐसा कमिट मत करो कि हाँ भाई आप ना कर पाओ पर वो चीज़ आप बोल दो कि हाँ जी मैं कर दूंगी या कर दूंगा, तो इस चीज़ से आपको हमेशा बचना है। कम्युनिकेशन, कीप टीचर्स एंड इंस्ट्रक्टर इन्फॉर्म्ड अबाउट योर कमिटमेंट्स। हमेशा इन क्लासेस या तो स्कूल क्लासेस में या तो फिर अपने इंस्टीट्यूट्स में, ठीक है। चलो स्कूल तो आप जा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, उसका एक फिक्स टाइम है, बट हमेशा इंस्टीट्यूट की क्लासेस में आपको प्रॉपर पहले से ही बात करके रखनी है, अपने वर्ड्स जो हैं वो क्लियर रखने हैं कि अगर आपने वो वर्क नहीं किया है जो उन्होंने दिया था या आपने बोला था वो किस वजह से नहीं हुआ है या किस वजह से वो रुका हुआ है, तो उससे क्या होगा उन बेसिक आप मतलब क्लियर रहोगे कि हाँ भाई इस वजह से ये चीज़ें नहीं हुई हैं, ठीक है। तो हमेशा लाइक क्लियर वर्ड्स रखना है, कम्युनिकेशन जो है वो प्रॉपर क्लियर रखनी है, ठीक है। सीक हेल्प व्हेन नीडेड, कंसल्ट टीचर्स और ट्यूटर्स फॉर सपोर्ट। इसमें क्या होगा आपका कि अपने टीचर से मतलब हेल्प लेनी है, हेल्प अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है कोई किसी भी तरीके की तो उनको हेल्प के लिए बोलना है। कोई भी सब्जेक्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है या कुछ भी ऐसा टॉपिक होता है तो वो प्रॉपर आपको लाइक शर्म हटा के आपको वो चीज़ें पूछनी है, ठीक है। नहीं तो उससे चीज़ें क्या होंगी, आपको आपके लिए ही हेल्प करेंगे, वो लोग आपको सपोर्ट करेंगे तभी आपको आगे आप चीज़ें कर पाओगे। स्टे मोटिवेटेड, रिमेंबर योर लॉन्ग टर्म गोल्स फॉर मोटिवेशन। हमेशा आपको अपने जो आगे दूर के गोल्स हैं उसे सोच सोच के हमेशा मोटिवेट होना है। हमेशा हमारे लाइफ में ऐसा कोई ना कोई पॉइंट आता है जिसको करके हम बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं कि नहीं अब हो गया, या बहुत चीज़ें मन में चलती हैं पर वो चीज़ें नहीं सोचनी है। क्या सोचना है हमें, अपना लॉन्ग टर्म गोल सोचना है कि हाँ आगे जाके अगर ये चीज़ें मैं करूँगा तो मुझे इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, तो उसे सोच सोच के हमें क्या करना है, मोटिवेट रहना है, ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट,
सेल्फ केयर, प्रायोरिटाइज हेल्थ, स्लीप एंड रिलैक्सेशन, इन सब के साथ साथ पढ़ाई तो ज़रूरी है ही पर उसके साथ साथ हमारी हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ अलग है और हेल्थ अलग है बेटा, इसको लेके आपको साथ चलना है, मैनेज करना है अपनी हेल्थ को, ठीक है। सोना है प्रॉपर, रिलैक्स करना है, इस चीज़ को भी आपको बिल्कुल प्रायोरिटी के साथ साथ चलना है, ठीक है। कि आप सो टाइम पे, खाओ टाइम पे, अपनी हेल्थ का प्रॉपर ध्यान रखो, उसके बाद ही आप चीज़ें करोगे, उसके बाद ही आप पढ़ोगे। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपकी पढ़ाई में, आपकी स्टडी में, आपके इंस्टीट्यूट और स्कूल क्लासेस में हेल्प कर सकती है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।